नमस्कार दोस्तों, हुगली हॉट पे आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय कुमार पांडे। चलिए देख लेते हैं कि जिले में आज बड़ी खबरें क्या क्या रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व दिवंगत कांग्रेसी नेता की मौत के बाद पूरे राज्य सहित हुगली जिले में भी शोक की लहर है। हुगली जिले के कई नेताओं ने दिवंगत सोमेन मित्रा को श्रद्धांजलि दी। हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट कर सोमेन मित्रा की आत्मा की शांति की कामना की, तो वहीं राज्य में विरोधी दल के नेता अब्दुल मन्नान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, सोमेन दा हमारे प्रिय नेता थे, उनकी मृत्यु से हम सब मर्माहत हैं। मेरा उनके साथ कई बार मतभेद हुआ है, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। राज्य की राजनीति में उन्होंने ही मुझे प्रतिष्ठित किया था। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्हें खोकर प्रदेश कांग्रेस अनाथ हो गई है। अब्दुल मन्नान के अलावा भी जिले के विभिन्न दलों के नेताओं ने सोमेन मित्रा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। बताते चले, बुधवार देर रात 78 वर्ष की उम्र में सोमेन मित्रा ने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। प्रिय नेता प्रदेश कांग्रेस के सभापति श्री सोमेन मित्र आज আমাদের মধ্যে নেই। এটা খুবই মর্মান্তিক, আমাদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের। একজন প্রভাতপতি মানুষ কংগ্রেসের, যিনি নিজস্ব যোগ্যতায় দক্ষতায় এবং গুণের জন্য কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন দুবার। কারোর কোনো যোগসূত্র ধরে তিনি নেতা হননি, কর্মীদের ভালোবাসায় কর্মীদের সহযোগিতায় তিনি নেতা হয়েছেন, কর্মীদেরই নেতা হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে যেমন দেশের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের দলের ক্ষতি হয়েছে, পরিবারের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের কর্মীদেরও প্রত্যেকেরই ক্ষতি হয়েছে। কারণ আমরা তাকে সবাই আমাদের অভিভাবক হিসেবে জানতাম। আমার সঙ্গে তার অনেক ক্ষেত্রে মত পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু মনান্তর কোনো দিন হয়নি। আমি অনেক সময় রেগে ভেগে অনেক কিছু বলেছি, হাসতে হাসতে সবে করে নিয়েছে। আবার কখনো কেউ কেউ তাকে বলেছেন, আরে প্রদীপ দা বলেছেন, আর মান্নার এখন লিডার, তুমি এটা করছো কেন? বলে, ও আমার কাছে কোনোদিনই নেতা নয়, ও আমার কাছে ছোটো ভাই। এই যে একটা ভাতৃশ্রেণী আমাকে দেখতেন, এটা আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। মিলতে হ্যাঁ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। हुगली जिले के राजनीति, प्रशासन, खेल, शिक्षा, व्यवसाय, साहित्य, संस्कृति से जुड़े दिग्गजों से हम पूछेंगे आपके सवाल, जल्द आ रहे हैं हुगली हॉट पर। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। राज्य सरकार की ओर से आगामी 5 अगस्त को पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उसी दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भी होना है। हिंदुओं के लिए पावन पर्व का अवसर होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन ने हिंदुओं की खुशी पर पानी फेर दिया है। श्रीरामपुर सांगठनिक जिला भाजपा के कार्यकर्ता 5 अगस्त अर्थात श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर अपने घरों से बाहर निकलेंगे और कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे। इस बारे में श्रीरामपुर सांगठनिक जिला भाजपा के अध्यक्ष श्यामल बोस ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। धर्म विशेष के त्यौहार पर उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन 5 अगस्त को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है। उस दिन ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जारी करने का फैसला किया है। राज्य का हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेगा। मंदिरों में भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। वहीं श्रीरामपुर सांगठनिक जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर उन्हें खुशियां मनाने से कोई नहीं रोक सकता। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और वे किसी फतवे को नहीं मानेंगी। वहीं श्रीरामपुर सांगठनिक जिला भाजपा कमेटी के सदस्य मनोज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने CAA नहीं माना, NRC नहीं माना, तो हम भी 5 अगस्त को ममता बनर्जी के लॉकडाउन को नहीं मानेंगे। बहरहाल श्रीरामपुर भाजपा के इस रवैये को देखते हुए आगामी 5 अगस्त को प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में टकराव तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। তুষ্টিকরণে রাজনীতি আবার একবার আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুক্র এবং শনি ভিড়ের কারণে লকডাউন হচ্ছে না, এটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু 5 তারিখ রাম জন্মভূমির যেখানে শিলান্যাস অনুষ্ঠান হচ্ছে যেদিন, সেই দিন লকডাউন করে দেওয়া হবে। সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস, রাম জন্মভূমি সেই পবিত্র স্থানে মন্দির নির্মাণ, সেই মন্দির নির্মাণ আগামী 5 তারিখ
তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাত দিয়ে সে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে, সেই দিন সারা বাংলার মানুষ আগ্রহ সরকারে সহকারে তারা অপেক্ষা করছিল এই রাম জন্মভূমির পবিত্র দিনে, শিলান্যাসের পবিত্র দিনে তারা রাম নাম অন্তত জপ করবেন, কীর্তন করবেন, ভজন করবেন, কিন্তু সেখানে লকডাউন করে দেওয়া হবে। বাংলার মানুষ এটা কখনোই মেনে নেবে না, তারা ওই দিন আর রাম জন্মভূমির সমর্থনে, রাম জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের সমর্থনে জায়গায় জায়গায় তারা মন্দিরে মন্দিরে উৎসব পালন করবে, ভজন কীর্তন আরাধনা তারা করবে। সর্বপ্রথম এক দোহা বলনা চাহুঙ্গি কি রঘুকুল রীত সদা চলি আই, প্রাণ যায় পর বচন না যায়। আর হামারে আরাধ্য শ্রী রাম প্রভু কা বর্ষো কে বাদ ইয়ে ভব্য শিলান্যাস কা কার্যক্রম জো হ্যায়, রাম মন্দির বননে কা জো কার্যক্রম হ্যায়, ইসকা ভূমি পূজন 5 আগস্ট কো হ্যায়। আর মে এসা মানতি হুঁ कि इस दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है, कोई ऐसा फतवा नहीं है जो हमारे श्री रामचंद्र के जन्मभूमि के पूजन का जो पूजा है वो करने से हमें रोक दे। हम पूजा करेंगे और हर हाल में पूजा करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमारे श्री राम से बढ़कर किसी का फतवा नहीं हो सकता है। 5 अगस्त को हम लोग जो शिला निवास है उसका प्रोग्राम रिश्रा में होगा, अगर किसी में दम है तो हमें रोक कर दिखा ले। आपने NRC और CA नहीं माना, हम आपका 5 अगस्त का लॉकडाउन नहीं मानते हैं। हमारा कार्यक्रम होगा और होके रहेगा, किसी में भी अगर दम है तो रोक के दिखा दे। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। हुगली जिले के कोटनगर के कानाईपुर ग्राम पंचायत इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए यह फैसला किया गया है कि शुक्रवार से कुछ विशेष छूट के साथ कानाईपुर इलाके में लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। आज इस बात की जानकारी देते हुए कानाईपुर ग्राम पंचायत के प्रधान अच्छेलाल यादव ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें यह मांग की थी कि पूरे कानाईपुर इलाके में लॉकडाउन जारी किया जाए। जिला शासक ने उनकी अर्जी पर गौर किया और अब शुक्रवार को कुछ विशेष छूट के साथ इलाके में लॉकडाउन जारी हो जाएगा। वहीं नवग्राम ग्राम पंचायत के उप प्रधान गौर मजुमदार ने बताया कि नवग्राम ग्राम पंचायत के जो इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं, उन इलाकों में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। इस रविवार सुबह 10 बजे आपके सवाल में देखिए जिले के जाने माने कॉमर्स के शिक्षक जीत सर को, सिर्फ हुगली हॉट पर। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में।